हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अष्टम अध्याय ध्रुव महाराज लीव्स होम पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा कि किस प्रकार नारद मुनि ध्रुव महाराज को उनके पिता के द्वारा उपलक्षित किए जाने पर ध्रुव महाराज को अत्यंत दुख हुआ और वो दुखित अवस्था में अपनी माँ सुनीति के पास गए। सुनीति के पास जाने के उपरांत तो जब अपनी माता से उन्होंने देखा कि वो भी रो रही हैं और वो कहती हैं कि हे बालक, जो तुम्हारी सौतेली माँ कह रही है वो सत्य है। तुम्हारे पिता मुझे एक दासी के समान भी नहीं समझते। तो वो जो उपदेश देती है, तो यस्टरडेज 10 श्लोकास वेर द क्रक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ध्रुव महाराज, हाउ ध्रुव महाराज बिकेम व्हाट ही इज एंड द परफेक्ट द पिनिकल ऑफ एंटायर डिस्कशन इज श्लोक क्रमांक 22। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भावित मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। सो ओ माय डियर बॉय, यू शुड टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज वेरी काइंड टू हिज डिवोटीज। पर्संस सीकिंग लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ always take shelter of the lotus feet of the Lord in devotional service, becoming purified by executing your allotted occupation. Just situate the Supreme Personality of Godhead in your heart and without deviating for a moment, engage always in His service. So this is the crux of the entire Dhruv Upakhyan. Suniti ne ध्रुव महाराज को फॉल्स होप्स नहीं दिए। सुनीति सेज, माय डियर बॉय, व्हाट कैन आई डू, आई कैन ओनली क्राई विथ यू। मैं आपके साथ केवल रो सकती हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना है, तो मैंने सुना है कि बड़े बड़े लोग भगवान की आराधना करते हैं। So, तमेव वत्स आश्रय भृत्यवत्सल, भृत्यवत्सल भगवान, सो टेक हिज शेल्टर। यस यस, मनस्व अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम, अपने मन में भगवान के रूप को स्थिर करके उनका भजन करो। कैसे ये भजन होना चाहिए? अन अन्य भावे, without thinking of anything else, one should worship the Supreme Personality of Godhead. So this one shloka, this one instruction had so much of impact on Dhruva Maharaj's entire consciousness. Iska itna prabhav pada Dhruva Maharaj ki chetana par, wo chale gaye 6 mahah mein, 6 mahine mein unhone Bhagwan ka darshan prapt kiya. और पूरा ध्रुव उपाख्यान होने के बाद में जब ध्रुव महाराज स्वयं मृत्यु के सर पर अपने पैर रख के वैकुंठ के ऊपर जाने के लिए विमान के ऊपर चढ़ते हैं, he climbs on the head of मृत्यु एंड goes back home, back to Godhead. चढ़ते समय उतने अपनी माँ की याद आती है, अरे मैं जा रहा हूं लेकिन मेरी माँ वो कहाँ है? तो उस समय विष्णु दूत ऊपर जाते हुए एक और प्लेन, वैकुंठ के प्लेन को दिखाते हैं और बोलते हैं आपकी माँ वहां है, she will reach first, you will reach next. Yes. So, why she went there? Because of this one shloka 4.8.22. ये एक इंस्ट्रक्शन। So we see, भगवान के बारे में दूसरों को बताना, अनन्य भक्ति के बारे में दूसरों को बताना, ये कितना श्रेयस्कर है। सुनीति ने
एक इंस्ट्रक्शन दिया ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज परफेक्टेड हिज लाइफ, एज अ रिजल्ट सुनीति इज गोइंग बैक होम बैक टू गॉडहेड। पूरे भागवतम में सुनीति की भक्ति के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस वन इंस्ट्रक्शन। इसीलिए हम सभी को प्रचार करना चाहिए, हमने किसको क्या बोला, कब, किसने कौन सा हमारा शब्द सुन करके उसके मन में भगवान की भक्ति को दृढ़ कर लिया, उसने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया, हमको भी उसका फल मिलेगा। सो इसीलिए भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। So whenever there is time, preach. Preaching is the essence. And what is preaching? Ab, this is not formal preaching. Suniti jo Dhruva ko keh rahi hai, wo koi bade 30,000 log samne baithe hue hain, formally baat ho rahi hai, Jai Radha Madhav gaya, wahan pe dhol mridang taashe bhi the, aisa kuch nahi. Baaton baaton mein ek instruction aa gaya. So preaching does not mean always having a formal setup and telling with the help of a formal setup. Preaching means distributing Krishna's mercy. Bhagwan ki kripa ko baatna, ye prachar hai. Iske madhyam kai ho sakte hain. Jo koi Bhagwan ka prasad baatne ke liye, Bhagwan ka prasad baatne ke liye agar koi cooking kar raha hai kitchen mein, wo bhi prachar hai. कोई अगर लेक्चर्स दे रहा है वो भी प्रचार है। कोई अगर मंदिर का मार्जन कर रहा है और ताकि जब लोग आकर के भगवान के मंदिर को देखें तो बोले अरे वाह कितना सुंदर, कितना चकाचक मंदिर है, तो लोगों के हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब प्रचार है। और हम में से हर कोई किसी न किसी माध्यम से प्रचार कर ही सकते हैं। So preaching is such a cardinal principle. Preaching, प्रचार ये इतना महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। जब हम दूसरों को, हमको जो कृपा मिली है भगवान की, उस कृपा से हम दूसरों को भी अवगत कराते हैं, इस कार्य को प्रचार कहते हैं। और हम सभी को वो करना चाहिए। तो हमने देखा श्लोक क्रमांक 24 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, द ग्रेट सेज मैत्रेय कंटिन्यूड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ध्रुव महाराज़ मदर सुनीति वाज एक्चुअली मेंट फॉर फुलफिलिंग हिज डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, देयरफॉर आफ्टर डिलिबरेट कंसिडरेशन एंड विद इंटेलिजेंस एंड फिक्स्ड डिटरमिनेशन ही लेफ्ट हिज फादर्स हाउस। ध्रुव महाराज ने कैसे घर छोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट थ्री थिंग्स: deliberate consideration, intelligence, fixed determination. अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, ये तीनों चीजें अत्यंत आवश्यक हैं। deliberate consideration, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सोची समझी कार्यावली होनी चाहिए। there has to be deliberate consideration. दूसरा, विथ इंटेलिजेंस, बुद्धि से कार्य लेना है। व्हाट इज इंटेलिजेंस? श्रील प्रभुपाद सेज इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, वर्किंग विथ एंथुसियाज्म, और रादर आई एम सॉरी दिस इज द अदर वे, व्हाट इज एंथुसियाज्म? प्रभुपाद सेज वर्किंग विथ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड एंथुसियाज्म। सो इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता से कार्य लेना है, मन से नहीं बुद्धि से कार्य लेना है। और तीसरा, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, अचल भाव से भक्ति करते हैं। सो ये तीनों चीजें, सो दिस सेक्शन ऑफ भागवतम वॉज रिप्लीट विद ज्वेल्स ऑफ व्हाट वी कैन टेक इन आर डिवोशनल सर्विस, पिछले 10 श्लोक। और अब से वो भाग आता है जहां ध्रुव महाराज की जिंदगी बदलने वाली है, गुरु कृपाएं पाए, गुरु मिलने वाले हैं। कौन आते हैं? नारद मुनि। सो नारद मुनि इज कमिंग इन ध्रुव महाराज़'s लाइफ, एंड दैट इज वेयर दिस सेक्शन ऑफ भागवतम बिगिंस। श्लोक क्रमांक 25,
ओम अज्ञानते निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिचन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारदस्तदुपाकरण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्य तद्ध्येन पाणिना प्राह विस्मितः। द ग्रेट सेज नारद ओवरहर्ड दिस न्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ध्रुव महाराज ही वाज स्टक विद वंडर। ही अप्रोच्ड ध्रुव एंड टचिंग द बॉयज हेड विद ऑल वर्चुअस हैंड ही स्पोक एज फॉलोज। So Narad Muni is such a transcendental personality. Narad Muni is a mahan sadhu hai, jahan chahiye jab chahiye barabar pahunch jate hai. He reaches exactly wherever he is needed and whatever he is supposed to do, he exactly does that. So Narad Muni dekhiye, Narad Muni Bhagavatam ke kitne avibhajya ang hai. सबसे पहली कथा हम भागवत में पढ़ते हैं नारद मुनि की ही, अपने पिछले जन्म में किस प्रकार से वो दासी पुत्र थे। पूरे भागवत का मूल नारद के व्यासदेव को इंस्ट्रक्शंस ही हैं। जो व्यासदेव दुखी अवस्था में थे तो नारद मुनि कहते हैं आपने भगवान के सुंदर गुणगान को वर्णित करते हुए कोई ग्रंथ रचित नहीं किया है, सो कोई ऐसा ग्रंथ बनाइए जहां पर भगवान की केवला भक्ति का वर्णन हो, उसमें से उस सेवा से मेवे की अपेक्षा कुछ न हो। ध्रुव महाराज के गुरु हैं नारद मुनि, पांडवों के गुरु हैं नारद मुनि, प्रह्लाद महाराज के गुरु हैं नारद मुनि, मृगारी के गुरु हैं नारद मुनि, वसुदेव भगवान कृष्ण के पिताजी को उपदेश देते हैं नारद मुनि। सो नारद मुनि इज ऑल ओवर देयर इन भागवतम। So, नारद मुनि एंड भागवतम आर इनसेपरेबल। जैसे वेद व्यास जी एंड भागवतम इज इनसेपरेबल, यस, वैसे ही नारद मुनि एंड भागवतम इज इनसेपरेबल। सो नारद मुनि को पता चला, नारद मुनि का ट्रांसेंडेंटल एंटीना एक्टिवेट हो गया, वहां पे सिग्नल आने लगे, हियर इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, टैंग 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 टैंग, चलो प्रचार करो, उनको भगवान के बारे में बताओ, उनको भक्ति में संलग्न करो। सो नारद मुनि जैसे प्रचारक वह देखते रहते हैं कब कौन सा लोहा गर्म है, और जहां लोहा गर्म है वहां पर वार करो। क्योंकि लोहा कब शेप लेगा, जब वो गर्म है तभी शेप लेगा। उसके बिना आप कुछ भी करते रहो वो शेप नहीं लेगा। yes. तो लोहे को कुल्हाड़ी बनाने के लिए या कोई भी लोहे से काम करवाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है सोचिए। हवा चाहिए, अग्नि चाहिए, औजार चाहिए, करने वाला व्यक्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सब होता है तब लोहा एक शेप लेता है। उसी प्रकार एक भक्त को या एक व्यक्ति को भगवान का भक्त बनने के लिए कितना सारा फैकल्टीज चाहिए, संग चाहिए, सेवा चाहिए, प्रसाद चाहिए, प्रचार चाहिए, ये सारे फैकल्टीज एक साथ मिलते हैं तब एक व्यक्ति भक्त बनता है।
सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. हम पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे कि हर किसी व्यक्ति के लिए प्रचार करना कितना महत्वपूर्ण है, यही हम देखते हैं. तो लोहा अगर आज कुल्हाड़ी बन गया है, या लोहा अगर आज अलमारी बन गया है, लोहा आज अगर हमारी गाड़ी के पार्ट्स के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो वो इस सब कारणों के वजह से है. अग्नि है, वायु है, औजार है, उनको शेप देने वाला व्यक्ति है, ये सब एक साथ आते हैं, तब लोहे को एक दूसरा अच्छा आकार मिलता है जिससे वो सदुपयोग में आता है. वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर किसी प्राणी मात्र के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. वी शुड बी एंगेज्ड इन सम वे इन गेटिंग एवरीवन क्लोज टू कृष्णा. यही साधु का कर्तव्य है. भगवद्गीता में भगवद्गीता में भगवान बताते हैं साधु कौन है, सर्वभूत हितेरताः, जो सभी प्राणी मात्र के वेलफेयर के लिए कार्य करता है वो साधु है. साधु डज नॉट नेसेसरीली मीन जो गेरुआ पहना है या जिसने मुंडन किया है. अगर कोई गेरुआ पहना हुआ व्यक्ति, मुंडन किया हुआ व्यक्ति सोचता है वो महत्वाकांक्षी है, वो दंभी है, ईर्ष्यालु है, अगर वो बुरा भला कहता है दूसरों को, स्वार्थ से परिपूर्ण है, तो उस सैफरन का और उस मुंडन का कोई वैल्यू नहीं है. इसके विपरीत अगर कोई गृहस्थ है, बाल बच्चे वाला है, दिन में 10 घंटे बाहर जाके कार्य कर रहा है, कमा रहा है पैसे, लेकिन अगर वो सर्वभूत हितेरत है, वो सच्चा साधु है. तो साधु, एवरीवन मस्ट बिकम अ साधु. इट डज नॉट डिपेंड ऑन जेंडर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आश्रम. किसी भी चीज पर साधुत्व डिपेंडेंट नहीं है. साधुत्व इज मैं सभी भूत व्यक्तियों को, सभी भूत यानी सभी जीवात्माओं को भगवान के पास लेके जाने के लिए मेरी तरफ से क्या योगदान दे रहा हूं. दैट इज द ओनली कंसिडरेशन ऑफ अवर साधुत्व. और ध्रुव महाराज का सौभाग्य है कि उनके जीवन में एक ऐसे साधु का पदार्पण होता है नारद. वो आके ध्रुव महाराज के सर पर हाथ फेरते हैं. नारद मुनि जैसे व्यक्ति ध्रुव महाराज के सर पर हाथ फेरते हैं. सो वी सी अ साधुस टच, एक साधु का स्पर्श कितना वैल्यूएबल है. जैसे ही इनफैक्ट भगवान ने ध्रुव महाराज को अपनी प्रथम कृपा नारद मुनि के दर्शन में, दूसरी कृपा नारद मुनि के स्पर्श में दी, इन दो कृपाओं से तीसरी कृपा के लिए ध्रुव महाराज क्वालिफाई हुए. वो क्या था? भगवान का साक्षात दर्शन. सो इट इज बिकॉज द फर्स्ट टू मर्सीज, नारद मुनिज दर्शन एंड नारद मुनि स्पर्शन, इन दो के कारण ध्रुव महाराज को तीसरी मर्सी क्या क्वालिफिकेशन मिला, वो क्या है? भगवान का दर्शन और भगवान का स्पर्श. भगवान भी स्पर्श करेंगे ध्रुव महाराज को, आगे अपना जो शंख है वह ध्रुव महाराज के सर पर टच करेंगे. सो गुरु गेव दर्शन एंड स्पर्श टू ध्रुव महाराज. कृष्णा ऑल्सो गेव दर्शन एंड स्पर्श टू गुरु महाराज, जो ध्रुव महाराज. सो वी सी गुरु कितने महत्वपूर्ण है. गुरु ये नींव है जिससे हम भगवान को प्राप्त करने की सीढ़ी चढ़ते हैं. शास्त्र हमें कितने सुंदर रूप से बताते हैं, आदौ गुरुपादाश्रय है. हमें अपने जीवन में गुरु को स्वीकार करना ही होगा, उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करना ही होगा. आदौ गुरुपादाश्रय है. सेकेंड थिंग, विश्रम्भेण सेवा, विदाउट एनी हिंड्रेंस सर्व योर गुरु. गुरु की सेवा कीजिए. ये दो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं भक्ति के. आदौ गुरुपादाश्रय विश्रम्भेण सेवा. विश्रम्भ मीन्स विदाउट सेसेशन. डोंट स्टॉप, कीप सर्विंग, कीप सर्विंग.
सो ऐसा होगा, शास्त्र में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समीत पाणि ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। सो तद विज्ञानार्थम, अगर हमें इस भौतिक जगत से ऊपर किसी तत्व को जानना है, तद विज्ञानार्थ विज्ञान विशिष्ट रूपेण ज्ञान, तद ज्ञानार्थम नहीं तद विज्ञानार्थम। स गुरुम एव अभिगच्छेत, अभि मीन्स मस्ट, गच्छेत जाना होगा। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना है, एक्सेप्टिंग अ गुरु, फॉलोइंग हिज और हर इंस्ट्रक्शंस इज अ मस्ट, देयर इज नो सेकेंड ऑल्टरनेटिव। कैसा हो वो गुरु? समीत पाणी ही, जिसने शास्त्रों के निचोड़ को घोट करके पी लिया। श्रोत्रियम, ये शास्त्रों का निचोड़ उन्होंने कहां से पी लिया? श्रोत्रियम, एक प्रमाणित गुरु से ये चीज ली उन्होंने। और केवल उन्होंने वो घुट करके पी लिया नहीं, ब्रह्मनिष्ठम, अपने जीवन में उसे अप्लाई करके उस नॉलेज में वो स्थित है। सो थ्री वेरी कार्डिनल क्वालिफिकेशंस ऑफ अ गुरु। गुरु कौन है? समीत पाणि, जिसने शास्त्रों के निचोड़ को अपने जीवन में पी लिया, घोट लिया। ही नोज, ही इज परफेक्ट इन द साइंस ऑफ कृष्णा। सेकेंड, उन्होंने वो घूट कहां से लिए, कहां से आया वो ज्ञान? श्रोत्रियम, किसी से, तो किसी प्रमाणित गुरु से। और केवल सुन लिया हो गया नहीं, ब्रह्मनिष्ठम, उसे अपने जीवन में अप्लाई किया और उसके हिसाब से वो अपना जीवन जी रहे हैं। देन वन इज प्राप्तस्य कल्याण गुण अर्णवस्य, प्राप्तस्य कल्याण। अ गुरु डज नॉट हैव हिज ओन मर्सी, ही गेट्स मर्सी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स। प्राप्तस्य कल्याण, अपने आप से वो कुछ नहीं कहता, वो जैसे ऊपर से आता है वैसे ही नीचे देता है। सो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि गुरु इज अ पोस्टल पियोन। गुरु कौन है? एक डाकिया है। डाकिया, अभी तो डाकिया नहीं है, प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते क्योंकि उस समय में डाकिये चलते थे, उस समय ईमेल और व्हाट्सएप और ये सब नहीं था। तो प्रोबेबली अगर प्रभुपाद जी आज होते तो बोलते, जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज आपको मैंने भेजा है वैसे ही आपको मिलता है, तो व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक वाया मीडिया है, वैसे गुरु है। या फिर जैसे मैंने आपको मेल भेजा है, मैंने आपको अगर मेल पे 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेजा है तो आपके अकाउंट में 1000 रुपए क्रेडिट हुए, 10,000 नहीं हुए होंगे। सो दिस इज हाउ। सो बिकॉज ऑफ दर्शन एंड स्पर्श ऑफ नारद मुनि, ध्रुव महाराज गॉट द फॉर्च्यून ऑफ दर्शन एंड स्पर्श ऑफ लॉर्ड विष्णु। और क्या कहते हैं ध्रुव महाराज को नारद मुनि? श्लोक क्रमांक 26, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भृंगम अश्रिताम बालोत्ययम हृदा धत्ते यत् सत् मातुर सद्वचः। हाउ वंडरफुल आर द पावरफुल क्षत्रियज, दे कैनॉट टॉलरेट इवन अ स्लाइट इंफ्रिंजमेंट अपॉन देयर प्रेस्टीज। Just imagine this boy who's only a small child, yet harsh words from his stepmother proved unbearable to him. So Dhruva Maharaj ke kshatriyatva ko glorify karte hain Narad Muni. Ek kshatriya, see, Brahman, kshatriya aur vaishya, actually Brahman aur kshatriya, इन दोनों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अ ब्राह्मणा कैनॉट बी कंट्रोल्ड, अ क्षत्रिय कैनॉट बी कंट्रोल्ड, वो अपने मन की ही करेंगे। वैश्य को कंट्रोल किया जा सकता है टैक्सेस से, शूद्र को कंट्रोल किया जा सकता है इंस्ट्रक्शन से,
ब्राह्मण पूरी तरह से वेदों पर आश्रित है तभी वो ब्राह्मण है, केवल सारे जनेऊधारी हो गए मतलब ब्राह्मण नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? आज का ब्राह्मण कैसा है? वो ऐसे केक के जैसा है जिसमें शुगर की जगह पे नमक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हाल ही में ऐसा एक प्रसंग आया जहां पर हमने केक खाया जिसमें शुगर की जगह पे नमक था एक्चुअली, और वो इतना तीखा लग रहा था वो केक जिसने बनाया उसे पता नहीं चला होगा, लेकिन उन्होंने शक्कर की जगह नमक डाला था और वो दिखने में इतना सुंदर था, माय गॉड, खाने में रा 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 रा, वो हो ही नहीं रहा था। यस, सो भौतिक जगत और उसका अस्तित्व इस केक के जैसा है जिसमें दिखता तो बहुत सुंदर है वो केक, लेकिन खाने के लिए जाइए केवल मुंह कड़वा होगा। सो भौतिक जगत के ऐश्वर्य, भौतिक जगत के भोग, भौतिक जगत के एक्सपीरियंसेस, दे आर ऑल लाइक दिस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माया। इट इज अ केक विच हैज सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर। Wherever you bite, however you bite, how much ever you bite, it is going to make your feeling or mouth taste distasteful. So aho tej kshatriyana. So kshatriya cannot be controlled. Brahmana cannot be controlled. So Dhruva Maharaj ke tej ko dekhiye, 5 years ka balak hai, लेकिन 5 का होते हुए भी अपमान सहन नहीं कर सकता। तो क्षत्रिय अपमान सहन नहीं कर सकता, ब्राह्मण अपमान सहन कर सकता है, क्षत्रिय अपमान सहन नहीं कर सकता। क्षत्रिय शारीरिक वेदना सहन कर सकता है, ब्राह्मण शारीरिक वेदना सहन नहीं कर सकता। A Brahmana will never be able to tolerate physical pain. Kshatriya will tolerate unbearable physical pain. Brahmana, Kshatriya will not be able to tolerate emotional and mental pain. Brahmana can very easily tolerate lot of emotional and mental pain. ये दोनों के बीच का अंतर है। So हम देखते हैं कि नारद मुनि का संग प्राप्त करके प्रैक्टिकली ध्रुव महाराज लाइफ इज गोइंग टू चेंज। सो अहो तेज क्षत्रियाणाम, पहले हर कोई अपने धर्म का इतना सुंदर निर्वाहन करता था कि उनकी अगली पीढ़ी भी उसी चेतना को लेकर के आती थी। इट वॉज वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, बट बाय डिफॉल्ट दे वुड फॉलो देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन रिलेशन टू देयर वर्ण एंड आश्रम सो परफेक्टली कि नेचुरली। अब हम जैसे एक हम जिस प्रकार से सोचिए, एक घर में जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसने कभी जीवन में नॉनवेज खाया ही नहीं, उसको उसका टेस्ट ही नहीं पता, तो बड़ा होकर के भी और सिस्टमेटिकली उसे ज्ञान दिया जाए, बेटा ये देखो पाप है। मेरे पिताजी जब मैं छोटा था तो मुझे एक बार दो चीजें करवाई मेरे पिताजी ने एक बार मुझे बुचर शॉप के पास में लेके गए थे, एंड आई सॉ अ गोट बीइंग कट, और उसका प्रभाव मेरे ऊपर इतना पड़ा। ऑफकोर्स हम पहले ही घर से नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन फिर भी जस्ट टू नो एम्बाइब दैट आइडिया, मुझे बुचर शॉप लेकर के गए और बकरी को काटते हुए दिखाया। तो जिस प्रकार से वो वेदना है, जिस प्रकार से चीखना चिल्लाना है, वो जो अंदर बैठ गया, मुझे लाइसेंस दिलाने से पहले भी मुझे पिताजी ने हॉस्पिटल की सैर कराई थी, देख तो ठीक से नहीं चलाएगा ऐसा हो जाएगा। सो इस प्रकार से जब इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं प्रैक्टिकल,
इट बिकम्स वेरी इजी टू फॉलो. सो उसी प्रकार से पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब अपने अपने स्वधर्म को इतने सुंदर रूप से पालन करते थे. देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ द ऑफस्प्रिंग गोइंग एनीवेयर अस्ट्रे. इट वॉज वेरी नेचुरल. तो उसी चीज को नारद मुनि गौरवान्वित करते हैं कि अरे छोटा बच्चा है, खेलने कूदने के दिन है. आगे हम देखेंगे नारद मुनि यही चीज बताएंगे. कल से हम जो डिस्कस करेंगे नारद मुनि के जो इंस्ट्रक्शंस है ध्रुव महाराज को, नारद मुनि कहते हैं अरे आप बच्चे हो, आप खेलने कूदने के दिन है, ये तो होता रहता है. माँ पिताजी तो बच्चे को डांटते रहते, इतना क्या सीरियसली ले रहे हो, ये सब अच्छा नहीं है. इनफैक्ट आजकल के जीवन में अगर कोई कॉलेज कुमार वगैरह भक्ति में आते हैं तो उसके माता पिता या फ्रेंड्स या उसके रिलेटिव्स बोलते हैं ना, अरे यार अभी से कहाँ तू ये सब कर रहा है, ये क्या तेरी उम्र है ये सब करने की. तो नारद मुनि एग्जैक्टली यही उपदेश देंगे कल से ध्रुव महाराज को, ये उम्र है तुम्हारी ये सब करने की, अरे यार खेलो कूदो मजा करो, इतने सारे लोग इस मार्ग में आकर के चले गए, ये इतना आसान मार्ग नहीं है, डोंट थिंक आप आ गए मतलब हो जाएगा. नहीं, एग्जैक्टली सेम. सो इन वन सेंस ऑल दोज हु से अरे ये क्या कर रहे हो, यू आर अ स्मॉल बॉय, दे आर ऑल फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ नारद मुनि, दे आर ऑल फॉलोइंग द रूट्स ऑफ नारद मुनि. बट देन जब बाकी के लोग नारद मुनि के पदचिन्हों का अनुगमन करते हैं, हमें भी ध्रुव महाराज के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए. ध्रुव महाराज ने क्या किया, वो सारे क्लॉजेस को सुना और बोले देखो नारद मुनि, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, इसके बारे में अगर कुछ बता सकते हो तो बोलो, नहीं तो फिर टाटा हरे कृष्ण. तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को परावृत करने का बहुत प्रयास किया. हमको भी समाज भक्ति से परावृत करने का बहुत प्रयास करता है. सो समाज नारद मुनि को फॉलो कर रहा है, हमें ध्रुव महाराज को फॉलो करना चाहिए. यस, समाज नारद मुनि को फॉलो करता है इसलिए हम अपने आप छोड़ देंगे, अरे यस करेक्ट. नहीं, समाज का काम है फॉलो करना नारद मुनि को, हमारा काम है फॉलो करना ध्रुव महाराज को. सो धत्ते, जस्ट इमेजिन a small boy yet harsh words from his stepmother proved unbearable to him. वो सहन नहीं कर पाया. तो नारद मुनि कल से जो आदेश देंगे, बहुत सुंदर श्लोक हैं, कृपया हमारे साथ रोज बने रहिए. This becomes the crux of how Narad Muni is transforming Dhruva Maharaj's heart. At the same time testing him. नारद मुनि इन श्लोकों में ध्रुव महाराज की चेतना को परखेंगे और भगवत चेतना प्राप्त करने के लिए उन्हें उपदेश भी देंगे. हमारे साथ बने रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. नितांत गौर प्रेमानंदे.